नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के साथ साथ बाकी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता। ये टॉपिक आपके रीड जो आगामी दिनों में आने वाली है उसके लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी। बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता आगामी रीड के लिए। तो देखो बच्चों, मैंने बताया भी था आपको, सिंधु घाटी सभ्यता जिसका कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर इसका काल 2300 से लेकर 1750 के मध्य माना जाता है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके दो महत्वपूर्ण केंद्र माने गए हैं, हड़प्पा और मोहन जोदड़ो, जो दोनों ही पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है बच्चों, हड़प्पा और मोहन जोदड़ो। हड़प्पा और मोहन जोदड़ो के बाद अगर हम बात करें तो हमारे राजस्थान के कालीबंगा, इसके अलावा गुजरात में धोलावीरा, लोथल, कई ऐसे स्थलों की खोज जो है वो धीरे धीरे जारी रही। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन कैसा था, उनका आर्थिक जीवन कैसा था, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम इसका धार्मिक जीवन कैसा था, धर्म के संबंध में, धार्मिक जीवन से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में देखने को मिलती है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी अगर हम बात करें बच्चों, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हमें मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। मंदिर में वो पूजा नहीं करते थे बच्चों, केवल बनावाली नामक स्थान पर इस बात का प्रमाण मिलता है कि वहां पर एक अर्धवृत्ताकार ढांचा हमें देखने को मिलता है। उसके आधार पर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि बनावाली से संभावित मंदिर के अवशेष प्राप्त होते हैं। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पर भी आपको मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों मातृ देवी की उपासना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना किया करते थे। मातृ देवी समाज या मातृ सत्तात्मक समाज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें मातृ देवी की उपासना का चित्र देखने को मिलता है। कई मोहरों में जो है मातृ देवी की उपासना करते हुए दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वहाँ का समाज मातृ सत्तात्मक था। अब आता है यहाँ पर स्त्री से निकलकर स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्रण हमें हड़प्पा से देखने को मिलता है, जिससे पता चलता है कि ये लोग मातृ देवी की उपासना किया करते थे। नारी देवीय परंपरा, नारी को देवीय रूप में पूजा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है नारी, आपने कई जगह देखा भी है नृत्य करती हुई नायिका की मूर्ति हमें देखने को मिलती है, मोहरों पर नारी की प्रतिमा देखने को मिलती है। तो इससे पता चलता है कि नारी की देवीय रूप में पूजा की जाती थी। उसके बाद आता है बच्चों पाशुपति शिव की प्रतिष्ठा। ये पाशुपति शिव की प्रतिष्ठा के बारे में मार्शल ने सबसे पहले कहा कि उसने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर नील वस्त्र ध्यान मग्न योगी मुद्रा में एक मोहर देखी है। उस मोहर पर एक जो आदमी है या एक जो इंसान है वो नील वस्त्र है, ध्यान मग्न है, योगी मुद्रा में है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। ये बात कही मार्शल ने, और उसके दाएं वे भाग में पशुओं का चित्रण किया गया है। उस योगी का नाम जो है मार्शल ने पाशुपति शिव के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो पाशुपति शिव की प्रतिष्ठा हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। इसके अलावा लिंग पूजा का संकेत, कई सिंधु घाटी सभ्यता के
अनेक स्थलों से हमें अनेक मोहरे प्राप्त हुई है। उन मोहरों का जो लिंग पूजा जो संकेत दिए गए हैं, उन संकेतों के माध्यम से बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिंग पूजा किया करते थे। अग्नि वेदिकाएं, कालीबंगा नामक स्थान पर अनेक अग्नि वेदिकाएं मिलती है। इसके अलावा हड़प्पा में भी हमें अग्नि वेदिकाएं देखने को मिलती है। इन अग्नि वेदिकाओं से हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हवन भी किया करते थे। उसके बाद है यज्ञ व पशु बलि की परंपरा। पशुओं के कंकाल जो है वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक स्थलों में देखने को मिलते हैं, जिससे अग्नि वेदिकाओं से हमें पता चलता है कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवता को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि भी दिया करते थे। तो बच्चों, आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं, केवल बनावाली से अर्धवृत्ताकार ढांचा हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा नामक स्थान पर स्त्री से निकलते पौधे का चित्रण मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि ये लोग मातृ देवी की उपासना किया करते थे। नारी को देवीय रूप में पूजा जाता था। पाशुपति शिव की प्रतिष्ठा की बात मार्शल कहता है। लिंग पूजा का संकेत मिलता है, अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिलते हैं और कई मोहरों से प्राप्त होता है कि ये लोग यज्ञ किया करते थे और पशु बलि परंपरा भी यहाँ पर विद्यमान थी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पीपल, नाग और वृषभ के चित्र हमें कई मोहरों पर देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग जो है इन सब की क्या करते थे, पूजा करते थे। प्रकृति के भी उपासक थे और पशु पक्षियों को भी वो लोग पूजते थे। उसके बाद आते हैं जल पूजा। आपने देखा मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिलता है, जिससे पता चलता है कि ये लोग जल का प्रबंधन करते थे और जल पूजा के संकेत भी हमें देखने को मिलते हैं बच्चों। उसके बाद देवदासी परंपरा भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में देखने को मिलती है। निवृत्ति मार्ग, ये लोग ध्यान, लिंग के रूप में पूजा, इन सब पर विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं मिलते करते थे, क्योंकि कहीं पर भी हमें मूर्ति पूजा का संकेत नहीं मिलता है। ये देवताओं को प्रतीकों के माध्यम से पूजते थे। तो पता चलता है ये लोग निवृत्ति मार्ग पर जोर देते थे। उसके बाद है अंत्येष्टि प्रक्रिया। अंत्येष्टि प्रक्रिया यहाँ पर तीन तरह से की जाती थी बच्चों, पूर्ण शवादान, आंशिक शवादान और कलश। इन तीनों के माध्यम से किया जाता था। पूर्ण शवादान उत्तर से दक्षिण में क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। पूर्ण तरीके से जो है उसको दफना दिया जाता था, लेकिन हड़प्पा नामक स्थान पर हमें एक कब्र में ये संकेत मिलता है कि वहाँ पर जो है दक्षिण से उत्तर की ओर इनको लिटाया गया था। लोतल नामक स्थान पर युग्म स्व के अवशेष मिलते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर मनुष्य को दफनाया गया है। रोपड़ से हमें कुत्ते की कब्र के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, युग्म शव कहाँ मिलता है, लोतल में मिलता है। कुत्ते की शब्द के प्रमाण कहाँ पर मिलते हैं, रोपड़ में मिलते हैं। और सबसे बड़ा कब्रिस्तान हड़प्पा से मिलता है, जिसे हमने नाम दिया है R37। और यहाँ पर H प्रकार के कब्रिस्तान भी हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, हड़प्पा से। हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान और H कब्रिस्तान हमें देखने को मिलता है बच्चों। आंशिक में ये होता था कि पहले पशु पक्षियों को खिलाया जाता था और खिलाने के बाद जो बचता था उसको दफना दिया जाता था, वो आंशिक शवादान कहलाता था। और कलश में ये होता था कि जलाने के बाद जो कुछ बच जाता था
को कलश के साथ दफना दिया जाता था। तो अंत्येष्टि प्रक्रिया सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तीन तरीके से करते थे, पूर्ण शवादान, आंशिक शवादान और कलश शवादान के माध्यम से करते थे। तो आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ा बच्चों। तो ध्यान रखना है, मातृ देवी की उपासना करते थे, मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, मूर्ति पूजा के अवशेष नहीं मिले हैं। अंत्येष्टि में तीन तरह की प्रक्रिया थी, देवदासी परंपरा थी, निर्वृत्ति मार्ग पर जोर दिया गया है, लिंग पूजा के संकेत मिले हैं, पशु बलि के संकेत मिले हैं। तो आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ा। आगे के वीडियोस में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे बच्चों। तो आपको रीट की तैयारी करनी है तो मेरे नवभारती स्टडी सर्कल पर जो हम वीडियोस बना रहे हैं उन सबको ध्यान से देखें, समझें, ताकि आगामी जो रीट आने वाली है उसके सारे बेसिक्स आप सबको हम क्लियर करवा सके बच्चों। धन्यवाद।